अगर आप इतना पे कर रही हो तो इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे भी अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे पास है Realme 11 Pro Plus और हमने रिसेंटली आपको Realme 11 Pro 5G पे वीडियो दी थी एंड आज की इस वीडियो में हम आपको Realme 11 Pro Plus 5G के बारे में बताने वाले हैं। इस वाले फोन को हम 15 दिनों से यूज कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को इस वाले फोन में क्या अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है एंड अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हो तो क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और कुछ चीजें आपको जाननी काफी जरूरी है भाई, क्योंकि देखो सभी फोन परफेक्ट नहीं होते हैं और यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो है भाई, मैं ऐसा सभी वीडियो को नहीं जज कर रहा हूँ, लेकिन भाई मोस्टली वीडियो प्रमोशनल होती है तो वो लोग खुल के भी नहीं बताते, अब उन लोगों की भी मजबूरी है भाई, लेकिन हम आपको ओपनली बताएंगे, सब कुछ खुलकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। तो चलो, तो आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, बात करते हैं इसकी डिजाइन से। डिजाइन देखो फोन का काफी भयंकर है भाई, यहाँ पे Realme वालों ने इस बार बिल्कुल ही चेंज कर दिया भाई। प्रीवियस जनरेशन देखो ना आप Realme का 10 सीरीज को, तो वहां से भाई इस बार डिजाइन में काफी कुछ यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं और इसके बैक पे आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाता है और इसका बैक ना ही टूटेगा और ना ही इस पे स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गंदा हो जाएगा टाइम टू टाइम, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई प्लास्टिक लेमिनेशन करा देना, उसके बाद भाई यूज करना। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफी सॉलिड है, काफी अच्छी मटेरियल का यूज किया गया है। अब हालांकि इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आप इस वाले फोन में HD कार्ड डाल सकते हो। नॉइस कैंसिलेशन माइक वगैरह दिया हुआ है और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल से इसकी स्पीकर की लाउडनेस थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। अब यहाँ पे भाई इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है, डे टू डे यूज में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको एक 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है जो कि HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है। इवन अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो ना, वहां पे आपको डिस्प्ले के कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और कर्व डिस्प्ले के साथ जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है ना भाई, नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है भाई। अब इसमें आपको 950 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, आउटडोर विजिबिलिटी डिस्प्ले की काफी अच्छी है भाई, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है जो कि डे टू डे यूज में स्क्रॉलिंग वगैरह में ये फील होता है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी लगी हुई मिल जाती है और ये फोन 100 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आता है। अब देखो भाई यहाँ पे आपको बैकअप वगैरह ये फोन अच्छी निकाल कर दे देता है भाई, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप ये फोन इजिली निकाल कर दे देगा। एंड अगर बात करते हैं इसकी OS की, तो ये फोन एंड्रॉइड 30 पे आता है और इसमें आपको Realme UI 4.0 देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हूँ वो इसलिए कि भाई इतना पैसा ले रही है लोग और इतना ज्यादा इसमें ब्लॉट बियर, इतना ज्यादा कचरा, इतना ज्यादा रिकमेंडेशन की पूछो ही मत भाई, सर दुख गया मेरे को इसमें से ब्लॉट बियर वगैरह निकालते निकालते है। बाकी आप हॉट ऐप हॉट गेम वगैरह को डिसेबल कर देना ऐप मार्केट में जाकर और आप जिस एप्लीकेशन को यूज करना चाहो उसको रखना, जिसको यूज करना ना चाहो उसको आप डिलीट कर देना, उसके बाद आपको अपने मन मुताबिक वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नहीं तो भाई Realme वाले के कंट्रोल में अभी इसका OS बहुत ज्यादा ये लोग तामझाम करवाते हैं। एंड आई थिंक Realme वालों ने 2 साल का OS अपडेट का प्रॉमिस करा है और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट का भी प्रॉमिस करा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले फोन की कैमरास की, तो इस वाले फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो कैमरा का सेटअप है अच्छा दिया हुआ है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस क्यों दे दिया यार, एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल का कर दे, थोड़ी बेटर डिटेलिंग वगैरह आती फोटोज में। खैर यहाँ पे सेल्फी कैमरे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है इस वाले फोन में। अब मैंने इसे फोटोज वगैरह ली थी, फोटोज के कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, इवन जो डिटेलिंग वगैरह होती है ना फोटो में भाई फार बेटर होती है भाई। एंड जो लाइट कंट्रोल वगैरह होती है फोटोज में वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी फोटोज वगैरह अच्छी आती है, वहां पे भी जो आपको फोटोज वगैरह है अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन डिटेलिंग वगैरह फोटोज में उतनी कोई खास नहीं होती है। और सेल्फी कैमरे से भी फोटोज अच्छी आती है, वहां पे भी आपको डिटेलिंग वगैरह अच्छी देखने को मिलती है, लाइट कंट्रोल अच्छे से कर लेता है। एंड ये फोन 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है और सेल्फी कैमरे से फुल HD वीडियो 30 FPS पे, और इसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो कि ये कैसी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे भाई मेरे को इसकी फोटोज वगैरह अच्छी लगी है, वीडियोस वगैरह के मामले में ये मेरे को अच्छा नहीं लगा है भाई। यहाँ पे बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको Dimensity 7050 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है। इसकी मैंने AnTuTu स्कोर निकाली थी, 5 लाख के प्लस की इसकी AnTuTu स्कोर निकल के आती है। CPU थ्रॉटलिंग वगैरह आप देख सकते हो भाई, 94% का मेरे को मैक्स परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है। एंड इसमें मैंने BGMI वगैरह प्ले करा था, वहां पे भाई मेरे को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला, काफी अच्छी गेम प्ले आपको करवा देगा। बाकी मैंने गेमिंग वगैरह के
दौरान इस वाले फोन को हीट होता हुआ नहीं देगा भाई, हीटिंग वगैरह को ये फोन काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। एंड इसमें आपको LPDDR4X रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलती है, इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी फोन की अच्छी है, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे दिक्कत आता है कि ये जो प्रोसेसर है वो आपको डिसेंट टाइप की गेमिंग करा देगा, अगर आप हार्ड कोर गेमिंग हो ना तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम करे। और भाई अगर आप इतना पे कर रहे हो तो इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे भी अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर नेटवर्क की बात करूं तो ये फोन एक 5G डिवाइस है और इसमें आपको 9 5G बैंड के सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसमें 4G प्लस वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको। कॉलिंग वगैरह के दौरान आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। इवन नॉइस कैंसिलेशन माइक भी है तो नॉइजी एरिया में भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें गूगल डायलर है तो कॉल रिकॉर्ड वगैरह करोगे तो दीदी अनाउंसमेंट कर देती है। तो ओवरऑल भाई जिस प्राइस पॉइंट का ये वाला फोन है उस प्राइस पॉइंट में इसमें क्या कुछ आपको नया देखने को मिलता है Realme 11 Pro 5G के कंपैरिजन में। पहला भाई इस वाले फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। एंड यहां पे आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड यहां पे UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीजें जो है वो सिमिलर लाइक वाली है दोनों ही फोन में। तो यहां पे मैं आपको Realme 11 Pro 5G को ही रिकमेंड करूंगा, वो बेटर है, आपको पैसा भी थोड़ा कम देना पड़ेगा। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इन दोनों ही फोन के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।